लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर पीपल, मास मीडिया इन हिस्ट्री. ठीक है, व्हाट इज बेसिकली मास मीडिया? मास मीडिया इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है, राइट? एंड हाउ इज इट कनेक्टेड टू हिस्ट्री? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे मास मीडिया का डेवलपमेंट हुआ. जैसे हमारे टाइम पे न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, आज की तारीख में वो एक लुप्त प्राय ट्रेडिशन होता जा रहा है, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग साइट्स पे अवेलेबल है कि यू कैन यूजली गेट द न्यूज इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अ पेपर. ठीक है, तो एक टाइम था जब न्यूज़पेपर्स इवॉल्व हुए, मैगजीन्स एंड जर्नल्स बहुत ज्यादा पब्लिश होते थे. इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म जो आज की तारीख में हो गया है, ठीक है, तो आज की तारीख में आपका डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल जर्नलिज्म ये सब हो चुका है. रेडियो और टेलीविजन, एक टाइम पे रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था. रेडियो देखा है किसी ने? ठीक है, तो एक छोटा सा होता था उसमें हम भाई साहब सुन के ही सारी चीजें, मतलब उस टाइम पे जैसे कोई नाटक है तो वो पूरा रेडियो नाटक जो है वो रेडियो में ही चलता था. ठीक है, तो वो सिर्फ एक ऑडियो विजुअल मीडियम नहीं था, जस्ट ऑडियो मीडियम था. टेलीविजन पे धीरे धीरे टेलीविजन का विकास हुआ. व्हाई डू वी नीड मास मीडिया? क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया. तो मास मीडिया जो मीडिया है वो आज की तारीख में आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है एक ही टाइम पे, लेकिन क्या वो सब कुछ सच है या क्या उसमें डिबेट हो सकता है? यस. ठीक है, सो वी विल हैव टू बेसिकली इंश्योर दैट वी आर वेरी केयरफुल अबाउट गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मास मीडिया. कुछ भी चीज मास मीडिया से आपको मिल गया और आपने उस पर भरोसा कर लिया तो शायद गलत हो गया. ठीक है, मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. ओके, इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया. मास एग्रीगेशन ऑफ पीपल, मास वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीडिया मतलब वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. मास मतलब बहुत बड़े समुदाय को जब रिप्रेजेंट कर रहा हो. ठीक है, आपके घर में आपके भाई या बहन से आपका झगड़ा हो गया है, ये एक मास एग्रीगेशन ऑफ पीपल नहीं है, ये एक सामुदायिक समस्या नहीं है, पारिवारिक समस्या हो सकती है. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो हम जब कोई सामुदायिक समस्या को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास. ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ पीपल. ठीक है, समझ लो पूरे काम उठे में पानी नहीं आया, दिस इज बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल. ठीक है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द मास. ठीक है, आपका घर में किसी के साथ झगड़ा हो गया वो आपका पर्सनल मामला है. ठीक है, वो आपका मतलब पूरे समुदाय का प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आ रहा है? मास मतलब समुदाय. ठीक है, एक पूरे कलेक्शन ऑफ पीपल. ठीक है, सो एग्रीगेशन ऑफ पीपल. मीडिया मतलब वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, आपके इंटरनेट साइट्स हैं, ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट मोड्स. इट इज अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन. हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स वे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश. तो ब्रिटिशर्स के अराइवल के बाद ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, न्यूज़पेपर्स का चलन हुआ. ठीक है, ओके. न्यूज़पेपर्स आज की तारीख में बहुत कम लोग परचेस करते हैं, लेकिन जिनको आदत है वो लोग अभी भी परचेस कर रहे हैं. प्रिंट न्यूज, एडिटोरियल, पीपल्स ओपिनियंस, एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट, ये सब रहता है न्यूज़पेपर्स में. ठीक है, सो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ही रहता है. प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनेट टाइम. तो आपका प्रिंट होता है, रात भर न्यूज़पेपर पे काम चलता है, लगभग सुबह के 2-3 बजे तक सारे न्यूज़पेपर्स प्रिंट हो जाते हैं और डिलीवरी के लिए बाहर चले जाते हैं. लगभग अगर आप देखोगे 7-8 बजे तक आपके घर में न्यूज़पेपर पहुंच जाता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ द न्यूज़पेपर इज रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड. दे आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स. आज जो करंट इवेंट है वो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कल ही वो इतिहास बन जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से ब्रिटिश के टाइम्स पे जो न्यूज़पेपर्स थे और जो इवेंट्स रिकॉर्ड हुए थे, जैसे जालियनवाला बाग जो ट्रेजेडी हुई थी वो न्यूज़पेपर में रिकॉर्ड हुआ था, तो वो आज हमारे लिए एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन चुका है. ठीक है, बिकॉज उस पर्टिकुलर डेट में इस घटना को रिकॉर्ड किया गया था. ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स देयर, इसीलिए न्यूज़पेपर्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि हर रोज न्यूज़पेपर्स छपते हैं और इनमें क्या छपता है, जो करंट इवेंट है वो छपता है. तो ये बेसिकली एक रिकॉर्ड बन जाता है. परकशर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स. इन एंशियंट इजिप्ट देयर वाज अ कस्टम ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस कंटेनिंग रॉयल डिग्रीज एट पब्लिक प्लेसेस. तो ये कैसे चालू हुआ, न्यूज़पेपर का ट्रेडिशन जो वो कैसे चालू हुआ? तो पहले के जमाने में कैसा होता था, जैसे समझो आपके जो पब्लिक प्लेसेस होते थे उसमें ऐसे नोटिस लगाया जाता था, जैसे आपके स्कूल में नोटिस लगता है. ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड हो. आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसे पब्लिक प्लेसेस में जैसे आपके लाइब्रेरीज हो गए या स्टेडियम्स हो गए या बस स्टॉप हो गए, बस स्टॉप तो नहीं तक है, जैसे मार्केट्स हो गए, इन सब में जो रॉयल डिग्रीज है, रॉयल डिग्रीज मतलब राजा का फरमान,
राजा का रूल वो वहां पे लटकाया जाता था, ठीक है। तो दिस वॉज इन एंशियंट इजिप्ट देयर वॉज अ कस्टम ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस कंटेनिंग रॉयल डिग्रीज। रॉयल डिग्रीज मतलब राजा ने कोई नया रूल लाया है या लॉ लाया है, इसको पब्लिक प्लेसेस में टंगाया जाता था। ये डिग्री मतलब ऑफिशियल ऑर्डर होता है। इन इंडिया एम्परर अशोका ऑल्सो यूज द सिमिलर मेथड टू कन्वे हिज ऑर्डर्स टू हिज सब्जेक्ट्स। इन द रोमन एम्पायर रॉयल डिग्रीज एंड द इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स वर रिटन ऑन पेपर्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे पेपर में लिखा जाता था और फिर अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था रोमन एम्पायर में। तो हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से न्यूज का प्रचलन चालू है, और न्यूज का प्रचलन मतलब जो रॉयल डिग्रीज होते थे उनको भाई साहब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन रहता था, कहीं पब्लिक प्लेसेस में, कहीं एक्चुअली जाकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में ऐसे भाई साहब इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होती थी। इन रोम ड्यूरिंग द रीन ऑफ जूलियस सीजर न्यूज़पेपर नोन एज एक्टा डिओर्ना वाज प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस टू कन्वे द रॉयल कमांड्स टू पीपल। ठीक है, आपने वाचनालय देखा है जहां पे मतलब फ्री में न्यूज़पेपर्स रहते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये एक्टा डिओर्ना वाज प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में न्यूज़पेपर्स रखे जाते थे ताकि आप जाकर वहां पे पढ़ सके कि राजा का नया ऑर्डर क्या है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, इन रोम। ठीक है, एक्टा डिओर्ना, ये वन ऑफ द प्रीमियस मोड्स ऑफ न्यूज़पेपर था। ओके, सब बस देख रहे हो भाई साहब, एसएसटी मतलब इनके लिए केक वॉक है। ये किसी ने मैथ्स पेपर दिखाया नहीं अपना, भेज दिया, स्कूल के बाहर ही बिक रहा था क्या? लाया है नहीं लाया? तो पास पास करना। हो गया, सिर्फ इतना लिखोगे तो भी चलेगा। इन 7th सेंचुरी सी रॉयल डिक्टेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। तो यहां पे भाई साहब पब्लिक प्लेसेस में ही डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। इन इंग्लैंड हैंडआउट्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेशनली अमॉन्ग पीपल। ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे प्लेसेस ड्यूरिंग द स्टे एट रेस्ट हाउसेस वुड स्पाइस अप स्टोरीज ऑफ दोस प्लेसेस एंड देन नरेट इट टू लोकल पीपल। ऐसे भी न्यूज फैलता था, ठीक है, पहले के जमाने में। देर वेर सम किंग्स हु पोस्टेड देयर एम्बेसडर्स एट वेरियस प्लेसेस। दीज एम्बेसडर्स कन्वेड इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ देयर रीजन टू द रॉयल कोर्ट। ठीक है, तो किंग उस टाइम पे क्या करते थे, अलग अलग जगहों पे अपने एम्बेसडर्स को रखते थे। ये एम्बेसडर्स उनका न्यूज, उस जगह का न्यूज लेकर किंग के पास जाते थे। दैट वॉज हाउ एडमिनिस्ट्रेशन यूज टू हैपन इन अर्लियर टाइम्स। न्यूज़पेपर इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो प्री इंडिपेंडेंस मतलब जब हमको आजादी नहीं मिली थी, उसके पहले कैसे न्यूज़पेपर था? बंगाल गैजेट, कलकत्ता जनरल एडवाइजर, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, प्रिंटेड ऑन 29th ऑफ जनवरी 1780, स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी एंड आयरिश जेंटलमैन। इसको लिख लीजिए भाई साहब, पहला न्यूज़पेपर था ये। फिर चालू हुआ भाई साहब आपका दर्पण, फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर, स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई, एडिटर बाल शास्त्री जंबेकर, द फर्स्ट एडिटर ऑफ फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर। हिज बर्थडे इज ऑन द 6th ऑफ जनवरी, ऑब्जर्व्ड एज पत्रकार दिन इन महाराष्ट्र, पब्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स ऑफ दोस टाइम्स। ये साहब आपके भाई साहब पब्लिश हुए थे। ठीक है, ओके, आज यहां तक ही रखते हैं भाई साहब।